पाँच फुट के आदमी से कैसे टकरा सकती है? मौत अपने जिद पे आ जाए तो जिसे मारना है उसे मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। चुनाव जीतने तक नेता जनता की जान नहीं छोड़ते, ये सुना है? ये मौत जिद पर आ जाए, ये कहाँ से निकाला? विनाश काले विपरीत बुद्धि, योर बैड टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मौत का ग्रह लग्न से डायरेक्टली आठवें घर में गोचर हुआ है। ये घर का स्थानांतरण अच्छी बात है या बुरी बात? सारे निकम्मे मुझ पर ज्ञान थोपने आ गए। ए, तेरे सिक्स पैक मेरे फैमिली पैक के सामने कुछ नहीं है। अरे बाप रे, मुझे बजरंग बली बना दे मुझे खली। जब बजरंग बली बना दे। बचाओ, ओ बचाओ, मर गया रे मम्मे, बचाओ। बजरंग बली टूट गई, मेरी हड्डी पसली है। मम्मे मम्मे, मेरी हड्डियों का भरता बन गया, भुर्जी बन गई है। तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं। ये 200 किलो का है, सच में भुर्जी बन जाती। बाप रे, सुबह दरवाजे की कमान सिर पे गिरी, अब ये 200 किलो। माजरा क्या है? मौत जिद पे आ जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती बच्चा। जगत के सबसे बड़े स्वामी महाप्रभु, महासंत महंत, मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या समस्या है बापू रे? आपने कहा था कि मौत मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने की जिद पर अड़ी है, मुझे हैदराबादी बिरयानी समझ के डिनर में खाना चाहती है। स्वामी की भविष्यवाणी पे विश्वास करते हो या नहीं? 110% करता हूँ। मृत्यु मेरा पीछा छोड़ दे, इसके लिए क्या करूँ स्वामी? उपग्रह गुरु जी। जी समझ गया जी। आपने क्या कहा गुरु जी, और इसने क्या कहा, क्या समझा? अगर हो सके तो मुझे भी समझाइए। आंखें बंद करो। ये कर ली। ये क्या है स्वामी? ये सत्य की अग्नि है बच्चा। हाँ। काशी जाके अपने पितरों का पिंड दान करो, फिर तो जीवन में शांति आ जाएगी। अगर मौत से बचना है तो सत्य की अग्नि के समक्ष मेरे सवालों का सही सही जवाब दो बच्चा। मौत यूटर्न ले लेगी। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सनी लियोनी। रॉन्ग आंसर। मेरा देश। ऐसा राज बताओ जो बताया ना होगा दे। अब मैं आपका अर्थ समझा, बताता हूँ। लंबी लंबी छोड़ना। अगर लंबी उम्र तक अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो आज से और अभी से ये झूठ बोलना बंद कर दे। सिर्फ आज के लिए ना? नहीं, 14 दिनों तक, 14 घंटों तक, 14 मिनट तक, 14 सेकंड तक एक भी झूठ मत बोलना। अगर किसी की बुराई ना करूं तो पेट में पित्त होने लगता है, मेरी वायु समस्या का निवारण कीजिए स्वामी। तेरी गैस की समस्या का इलाज है मेरे पास, इधर आ जा। दीजिए जल्दी। गैस का स्टोव देखा है ना? हाँ। उसके ऊपर जाके बैठो। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। हाँ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। हाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। हाँ। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को? घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है,
तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चर जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना था, मैं तेरे गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरे पकड़ से मार, नकलों को क्या क्या करती थी वी? और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो कैश करता था। मैं स्वामी समझती थी लेकिन तू कर रहा कि मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? आई एम VIP, डोंट क्रॉस लिमिट। मैं फुसकी फटाके जैसा दिखता हूँ लेकिन हूँ बॉम्ब। Hey officer, Sudhir, I'm sorry, what's the problem? He's my guest. मेहमान भगवान होता है, कोई लावारिस सूटकेस नहीं। इतनी देर से कहाँ था तू? सॉरी अंकल, आने में थोड़ी देर हुई। What is this? Weapons, मेरे स्पेशल हथियार। काका ढोकले में कीमा क्यों मिला रहे हो? Actually, he's traveling for the first time. इन डोनट से डरने की जरूरत नहीं है। सचिन का बैट उसका बॉम्ब है, जाकिर हुसैन का तबला उसकी तोप है, और ये कड़ची इस बावर्ची की मिसाइल है। मैं गर्व से कहता हूँ ये मेरे हथियार है। ISI मार्क वाले। ISI? Yes. Excuse me sir, please remove your belt. पैंट उतारना चाहते हो? मैं नहीं उतारूंगा। और ये किंग खान की भी पैंट उतार चुके हैं। किंग खान को अमेरिका की जरूरत थी, इस किंग के खाने की अमेरिका को जरूरत है। सर, he's the best cook in India. ISI means Indian Standard Institute. Please let us go sir. This is our restaurant address. आओ जो होटल में आए तो इनके खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा, उससे भी बच गए तो इनके फ्लाइट को किडनैप करके इनके प्रेसिडेंट के सफेद घर को ठोक दूंगा। What is he saying? काईपन न थी। He wants to see the White House by flight. That's all sir. Nothing sir. It's okay. Tell him to shut his bloody mouth. शटर लगा दो। Don't worry sir. Thank you. Handle with care. तुमने सही वक्त पर आकर बचा लिया उन वॉचमैन को। हा? सुना है यहाँ ग्रीन कार्ड मिलते हैं, घर जाते वक्त रास्ते से 2-4 उठा लेंगे, पूरी फैमिली को ले आऊंगा। ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड लेते लेते ब्लू हो जाएगा और कैमरन तुझे अवतार 2 में ले लेगा। ओहो, चल तेरी फिल्म बनाता हूं। ओके, एक मिनट रुको, एक सेल्फी लेते हैं। अब अमेरिका का भाग खुल गया। बरोबर। Show me your passport. She has it, officer. नहीं। भारत का पासपोर्ट। पासपोर्ट था तभी तो फ्लाइट में बैठ पाई ना। No. We can't allow you without passport. How can you lose your passport? Wait, I'll show you. एक सेकंड। Yeah, there's a lady without passport. Officer, मेरे पास है पासपोर्ट। Copy. ओह हेलोइन। हेलो। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की चीजें संभालना सीखो। Show it to me. Thank you, buddy. Please, ma'am. Show it to me. चलो देखो। सोए हुए अरमान जगा देती है। मैं महसूस कर रहा हूँ। आज है अपना रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? आवा काई। क्या आवा काई? ये तो कल्लू के ढाबे से भी गया गुजरा है। इस फालतू ढाबे के लिए मुझे से बड़े बावर्ची बुलाया? यहाँ मेरे असिस्टेंट का असिस्टेंट भी काम नहीं करेगा। तू क्या बीच के? यहाँ इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है। इंटरेस्ट अपने पैरों से चक्कर। वेलकम टू आवर होटल। आप इंडिया छोड़ के यहाँ पर क्यों नहीं सेटल हो जाते? कहाँ आपके दिल में जोक था, दिल पे मत लेना। आपका नाम? मलाई, रस मलाई।
मेरा मतलब चमचम रसमलाई। शक्ल से मैचिंग है, बहुत मक्खियाँ बैठती होंगी आप पर। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये मिठाई की बेटी इस लंगूर की बेटी कैसे? ये मेरी बेटी नहीं गधे, ये मेरी बीवी है। She's my wife. अब जाके किचन देख ले। खामोश। किचन खाना बनाने के लिए नहीं होता। क्या मतलब? किचन तो रोमांस करने की जगह होती है। सब्जियों को मैं अपनी माशुका समझता हूँ। हॉट गरम मसाले खाने को स्पाइसी बनाते हैं। ए, ये कैसी फिलॉसफी है? कुकिंग लव मेकिंग मिक्स मत करो। तुम्हारे पति बिल्कुल अनाड़ी है। अगर ये खिलाड़ी होते तो तुम्हें क्यों बुलवाती? बच्चे की जान लोगे क्या? चलो फिलहाल एक सेल्फी ले लो। ओए तू भी आ जा। बस अब हवा कह के भाग खुल गए। तुम सब लोग गेट आउट, गेट लॉस्ट आई से। जाओ। कम ऑन। ये किचन है या क्रिकेट स्टेडियम? मुझे खाना बनाना तो क्या नींबू तक निचोड़ना नहीं आता। उस टकलू को पता चला तो मुझे निचोड़ेगा। तुम एका अमेरिका में कदम रखते ही अपनी आत्मा को भूल गए? तुम यहाँ कैसे? टिकट पासपोर्ट और वीजा की जरूरत तुम इंसानों को पड़ती है, हम तो आत्माएं हैं। फ्लाइट के बिना ही फ्लाई करके हम कहीं भी पहुँच सकती हैं। अब ये बताओ इस झमेले से बचोगे कैसे? फेमस बावर्ची संजीव कपूर की सारी रेसिपीज इस आईपॉड में रिकॉर्डेड है। वाह, तुम तो अपनी आत्मा से भी गए गुजरे निकले। उन बेचारों पर काहे रोज धड़ रहे थे? ताकि वो मुझे 30 मार खा समझे। और एक बात बताओ, हर जगह दांत फाड़ के अपनी सेल्फीज काहे लेते हो? व्हाट्सएप तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? इंडिया का गांव नहीं है, अमेरिका है। यहाँ के गुलाब भी जुलाब देते हैं। गुलाब नहीं, बस 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 अब भाषण झाड़ना बंद कर।